किसान अंदोलन नूं लै के वड्डी खबर सामने आ रही है। दिल्ली च हुई किसानां दी अहम बैठक तो बाद किसानां ने वड्डा ऐलान कर दिता है, जो कि सरकारां नूं भाजड़ा पाउण वाला है। जी हाँ, किसान आगू सरवण सिंह पंदेर ने 15 अगस्त नूं ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिता है। तो इस तों इलावा 31 अगस्त नूं किसान अंदोलन नूं 200 दिन पूरे हो जाएंगे, जिस करके किसान आगू पंदेर ने शंभू बॉर्डर से सारिआं नूं इकट्ठे होण दी अपील भी की है। हरियाणा च भी पंदेर ने वड्डी रैली का ऐलान किया है। दस दईए कि किसान कई महीनों तो MSP कानून नूं लैके संघर्ष कर रहे ने। हुण देखना होगा कि किसानां दा इह ऐलान मार्च की रंग लिआउंदा है। वापिस है क्रिमिनल लॉ की, वो जलाई जाएंगी। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा। इसी के साथ साथ 31 अगस्त 2024 को हमारे मोर्चे को, जो हरियाणा के बॉर्डरों पर चल रहा, 200 दिन पूरे हो जाएंगे। और उस 200 दिन के लिए हम लोग उन बॉर्डरों के ऊपर जो लाखों किसानों मजदूरों का इकट्ठ करेंगे, इसके लिए आपके माध्यम से अपील भी करते पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, राजस्थान सभी को कि जब 200 दिन पूरे हो 31 अगस्त को, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बॉर्डरों के ऊपर पहुंचे। वो खनौरी हो, शंभू हो और अन्य कोई बॉर्डर हो, अधिक से अधिक लोग पहुंचे। इसी के साथ साथ 1 सितंबर को यूपी में दोनों फॉर्मों की महारैली होने जा रही है, संबल में, इसकी जगह है संबल। इसी के साथ साथ हरियाणा में दो बड़ी महापंचायतें, बड़ी महारैलियां की जाएंगी। एक रैली है 15 सितंबर को, ये जींद जिला है जहां हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम। दूसरी रैली 22 सितंबर को पिपली में होगी। ये दो बड़ी रैलियां हम लोग हरियाणा में सितंबर में करने जा रहे हैं। मैंने लगभग ये कार्यक्रम आपको बताने थे, आपके समक्ष रख दिए ये कार्यक्रम। और बस एक ही बात, आज आशीष मिश्रा मोनू जिसको बोलते हैं, उसकी जमानत हो गई, जो किसानों का कातिल था, जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के उनको कत्ल किया था। इस फैसले की हम निंदा करते हैं। इस तरह के लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए और इस तरह के लोग जेल के बीच जाने चाहिए। इसके इंसाफ के लिए लड़ाई हम जारी रखेंगे। आगे का कार्यक्रम डल्लेवाल जी बताएंगे। सभी सत्कारयोग पत्रकार भाइयों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन वजह, आज यहां पे हम क्यों इकट्ठे हुए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये प्रोग्राम जो हुआ वो क्या था, वो मेनली वो बात आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों के पास जानी चाहिए, सरकार के पास जानी चाहिए। वो मेन वजह ये थी कि हम लोग लंबे समय से जो किसान हैं, ये हमारी डिमांड है कि MSP की गारंटी का कानून दिया जाए। लेकिन सरकार और सरकार का अपने ही कुछ एक्सपर्ट ये बात, इस बात को इस तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि अगर MSP की गारंटी का कानून आ गया तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए। इसको एक्सपोज करने के लिए हमारे साथ आज यहां पे 3 एक्सपर्ट आए थे, अर्थशास्त्री आए थे, जिनमें प्रकाश कमारेड्डी जी कर्नाटका से, दविंदर शर्मा जी पंजाब से और शोमपाल शास्त्री जी, जिन्होंने इस सरकारों के अंदर रहकर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना। ये तीनों एक्सपर्टों ने यहां पे आज इस बात को क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि MSP की गारंटी का कानून देने के मामले में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ पड़ेगा, ये बिल्कुल झूठ है। कोई किसी तरह का बोझ नहीं पड़ने वाला। इसके बजाय बोझ के सगों अर्थव्यवस्था और तेज होगी और बढ़िया हालात बनेंगे देश के अंदर, देश की इनकम बढ़ेगी।
ये बात उन्होंने आज सिद्ध की है और ये बात बहुत जरूरी थी आपके पास ये बात लेकर जाना। दूसरी बात, जैसे पंधेर साहब ने एक बात कही है, हमारा शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, एक किसान शहीद कर दिया गया, 5 की आई साइट चली गई और 433 गंभीर रूप से जख्मी हुए। इतना कुछ होने के बावजूद ये हुआ कि हमारे कुछ लोगों ने जो पीआईएल डाली गई हाई कोर्ट के अंदर, उस हाई कोर्ट ने हरियाणा के ही एक अधिकारी को उसकी जांच सौंप दी गई है और जो जांच सौंपी गई है जैसे हरियाणा के अधिकारी को, उससे पहले कि मैं एक छोटी बात आपके ध्यान में लाऊं तो आप समझोगे कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि एक रिटायर जज की अध्यक्षता के अंदर एक कमीशन बनेगा और वो कमीशन जांच करेगा कि ये क्या हुआ, वहां पे क्या एक्सेस फोर्स यूज किए गए, शुभकर्ण की डेथ जो हुई है वो कहां हुई, क्या है, कौन उसकी जांच करेगा। जब ये बात आई तब क्या हुआ था, हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है और ये कहती है कि अगर इस कमीशन ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच की तो हमारे ऑफिसर्स की का मोराल डाउन होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है। और उसी के साथ एक बात और कही गई कि अगर यह जांच होती है तब भविष्य में कोई भी अधिकारी किसी तरह किसी लोगों के ऊपर गोली चलाने से हिचकिचाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस इन्वेस्टिगेशन को रोकना चाहती है, उसी सरकार के अधिकारी अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इंसाफ कहां से मिलेगा। और आगे जो पंधेर साहब ने बात कही, 2 एसएसपी उन्होंने सिलेक्ट किया है, एक मेरा ख्याल है आईजी सिलेक्ट किया गया है। अंदाजा लगाएं कि एक अधिकारी एक आईजी के खिलाफ रिपोर्ट दे पाएगा क्या। सो हमारी ये है कि हर हाल में हमारी मानयोग सब हाई कोर्ट इस बात के ऊपर संज्ञान ले कि किसी तरह का भी हरियाणा के अधिकारियों से अगर इंसाफ होगा तो वो इंसाफ नहीं मिल पाएगा लोगों को, और लोग वहां पे जाकर अपना इतराज, अपनी अगवाही, अपनी विटनेस भी नहीं दे पाएंगे जो मुझे लग रहा है। तो इसके लिए हमारा ये है, तो इसी के लिए और बड़ी बात और इसमें शामिल हो जाती है कि वो उन्हीं अधिकारियों को हरियाणा गवर्नमेंट राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सिलेक्ट कर देती है। तो इसका मतलब जिन अधिकारियों को अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से होने की संभावना कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। सो ये एक सीरियस मैटर है, इसलिए हमें उनके विरोध में ये लोग दिलाने। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।